हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं फिर से क्या एग्जाम्पल नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो पिछली वीडियो मैंने एग्जाम्पल नंबर 15 में जो इतने अच्छे तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, इतने अच्छे से आपको पढ़ाया था, वो खिंच गई थी वीडियो 27 मिनट तक खिंच गई थी। और एक क्वेश्चन से मुझे आपको बताना था जो कि बहुत सिंपल था, पर तब भी क्या हो गया था उसमें, वो क्या हो गई थी आप लोगों को पता होगा जिसने देखा है, वो क्या हो गई थी, ब्लर हो गई थी। 3-4 मिनट पढ़ाया मैंने आपको और वो ब्लर हो गई थी। मुझे इतना बुरा लगा, मैंने इतना अच्छे से बनाया था उसको, बहुत ही अच्छे से बनाया था, इतनी मेहनत करके मैंने आपको बताया था, हर एक छोटी छोटी चीजें मैंने आपको बताई थी कि इस क्वेश्चन को किस किस तरीके से, अगर किसी भी तरीके से अगर आ जाता है तो, अगर आपको इस क्वेश्चन का मतलब पता है, मतलब ये क्या कहना चाहता है, एगो का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ओल्ड यूज हो रहा था, हर एक तरीके से मैंने बताने की आपको वहां पे कोशिश की थी और ज्यादा से ज्यादा बताने की कोशिश की थी और सब कुछ हम लोगों ने पढ़ भी लिया था। बट क्या करें, किस्मत और ये जो कैमरा है ना, धोखा दे दिया हम लोग को, ठीक है। सस्ता कैमरा है ना, इसीलिए धोखा दे देते, सस्ते कैमरे धोखा दे देते हैं, ठीक है। तो अपना बजट नहीं है, क्या कर सकते हैं। अब आप हो गए बजट बढ़ाइए, अरे होना भी तो चाहिए, नहीं है, ठीक है। अब चलो, यहाँ पे ज्यादा फालतू की बातें नहीं, देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुत ही सरल है, बट कुछ बच्चों को ये चीज नहीं समझ में आती। पहली तो चीज नहीं आती भाई साहब कि इक्वेशन यहां पे कैसे बनाए, ठीक है। और इससे पहले वाली चीज होती है समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, लिख नहीं रहा, ठीक है। जितनी नहीं कर रहा हूं प्यारे बच्चों, ये होता है अधिकतर बच्चों के साथ। अगर मुझसे पूछो तो मैं जब था ना क्लास में, तो इस क्लास 8th क्लास में, तो क्या होता था, ये जो 3 times कह रहा है, 3 गुना कह रहा है, तो मैं क्या करता था, 3 गुना क्या कहता था, अगर 3 गुना कह रहा है श्रेया पे, तो मैं लगा देता था राजू पे लगा देता था, यहां पे अर्जुन यूज किया होगा, ठीक है। तो क्या होता था, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किसको 3 times करूं, भले क्वेश्चन में लिखा है 3 times, ठीक है, बट 3 times क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इक्वल टू क्यों कर रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, यही नहीं समझ में आता था। और अधिकतर लोग की ये प्रॉब्लम रहती थी और वो पूछ नहीं पाते थे, ठीक है। सोचते थे अगर पूछ लेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी, टीचर डांट देगा। तो आपको डरने की यहाँ कोई जरूरत नहीं है, आप आराम से वीडियो को, लेक्चर को देखो, कुछ भी मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट करके बताओ क्वेश्चन से रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज बताने की, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हर चीज समझते हैं फिर से। क्या करें प्यारे बच्चों, आपको मुझे अच्छे से हर एक चीज समझानी है, इसलिए मैं मेहनत बहुत कर रहा हूं कि आपको हर एक चीज समझ में आए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये कर देते हैं अब हम लोग रब और स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा क्वेश्चन जो कि अर्जुन स्टोरी। अब देखो, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इस चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, मैं समझाने की कोशिश तो करूंगा, जो मैंने वीडियो बनाई है जो ब्लर हो गई है, ठीक है, उस वीडियो को एक बार जरूर देखना ताकि आपको समझ में आ जाए बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि उसमें मैंने जो जो चीज बताई ना, हो सकता है यहाँ पे शायद छूट जाए, ठीक है, क्योंकि वो माहौल जो उस समय बन गया था ना पढ़ाते, तो वो हो सकता है अभी ना बने, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि एक बार जरूर उसको अच्छे से देख लेना, ठीक है, सुन लेना क्या क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि वो चीजें जो मैंने वहां पे कही है ना भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन को घुमा फिरा के इधर उधर मोड़ के भी अगर दे देता है तब भी आप सॉल्व कर लोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो चलो प्यारे बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या इस क्वेश्चन को। इसमें क्या है, 2 लोग हैं, एक अर्जुन है एक श्रेया है। क्या कहा है इसमें, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, कह रहा है कि अर्जुन क्या है, 2 गुना है, ट्वाइस ओल्ड एज श्रेया, जितनी श्रेया की एज है, मान लेते हैं भाई साहब श्रेया की एज 10 साल है, तो क्या होंगे अर्जुन भाई साहब इसका 2 गुना हो जाएंगे, मतलब 10 का 2 गुना क्या 20 हो जाएंगे। तो अर्जुन इज ट्वाइस, अर्जुन क्या है 2 गुना है श्रेया की एज का, श्रेया की एज का, इतना समझ में आया कि नहीं। तो यहां पे अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड मतलब हुआ जितनी की श्रेया है उतना ही उसका 2 गुना अर्जुन है। यही बच्चों को नहीं समझ में आता है किसके लिए ट्वाइस कह रहा है, किसके लिए क्या कह रहा है,
ठीक है, अधिकतर बच्चे होते हैं नहीं समझ में आता भाई साहब। बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम से होंगे, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होंगे, तो हिंदी में लिखा होता तो उनको हिंदी में समझ में आ जाता, हाँ कि ना। अब अगर बहुत सारी चीजें हैं, अगर मैं आपसे हिंदी में बोलना शुरू करना, आपके दिमाग से बूम 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 निकलेगा, ठीक है। पर हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चों को क्या होता है, अगर इंग्लिश में ही बोलोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ ही जाता है, पर अगर मैं हिंदी पढ़ाना शुरू करूँ ना, बहुत दिक्कत होगी भाई साहब, ठीक है। तो ये सब नहीं करते, आपको अच्छा समझाते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं, हाँ कि ना, समझ में आ गया कि नहीं। तो क्या है यहाँ पे कि श्रेया है, ये क्या है, श्रेया है और एक है अर्जुन भाई साहब है। तो कह रहे हैं क्या, अर्जुन की अगर एज एक्स है तो अर्जुन कह रहे हैं श्रेया की एज अगर एक्स है तो अर्जुन भाई साहब क्या हो जा रहे हैं, 2x हो जा रहे हैं। अर्जुन भाई साहब क्या हो जा रहे हैं, 2x हो जा रहे हैं। अब हमने श्रेया की ही एज को क्यों एक्स मान लिया, अर्जुन की एज को भी तो एक्स मान सकते थे, हाँ कि ना, हाँ कि ना। तो इसको मानते तो कोई दिक्कत वाली बात ना होती, क्या हो जाता अगर इसकी क्या है, अर्जुन क्या है, दो गुना है। अर्जुन क्या है भाई साहब, अगर इसकी मैं अगर मान लूं ये क्या है, ये अगर इसको क्या मान ले, अगर मैं इसको मान लूं x, क्या करूं, इसको मान लूं x, तो ये भाई साहब क्या हो जाएंगे बताओ, ये x by 2 हो जाएंगे, हाँ कि ना। क्योंकि अगर श्रेया की एज क्या है प्यारे बच्चों, इसीलिए कह रहे हैं ये थोड़ा सा दिमाग याद रखो, अगर अर्जुन क्या है, अर्जुन इसका दो गुना है, अर्जुन इसका दो गुना है, ध्यान से सुनना, अर्जुन क्या है इसका दो गुना है, तो x बाई टू इंटू टू क्या दे देगा, टू टू कट जाएगा, ये हमें दे देगा x। तो अगर अर्जुन को x भाई साहब लोगे तो श्रेया क्या हो जाएंगी, इसकी आधी हो जाएंगी, जैसे कि ऊपर देखो हमने उन्हें किया है। अगर यहां पे अर्जुन 2x है तो श्रेया क्या हो जा रही है, इसकी आधी हो जा रही है। तो इन्होंने इस तरीके से नहीं लिखा, उन्होंने इस तरीके से लिखा है क्या कि जो अर्जुन है, अर्जुन क्या है, दो गुना है श्रेया की एज का, तो हमने श्रेया की एज x मानी, अर्जुन की ऑटोमेटिकली क्या हो गई, 2x हो गई। तो ये अगर तरीका करते हो तो ये थोड़ा अच्छा समझ में आता है बच्चे, इस तरीके से भी कर सकते हो आप, अगर आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है, हम आपको इस तरीके से समझाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक। चलो, इतना समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करते हैं आया होगा, नहीं भी आया तो बताते तो रहेंगे हम, और बताएंगे, अभी तो शुरुआत है, ठीक है, अच्छे से समझाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज ये कही, और फिर यहाँ पे देखो कह रहा है 5 ईयर एगो, एगो का मतलब समझ लो पहले, क्योंकि आपको एक बार तो एगो समझ में आ जाएगा, एक बार कह देंगे सर जी एगो का मतलब होता है जो बीत गया, ठीक है, जो बीता हुआ है, पास्ट वाला, पर फिर बाद में थोड़ी देर बाद हो जाओ, अरे एगो का मतलब क्या है, एगो आने वाला, एगो आने वाला। नहीं प्यारे बच्चों, एगो जो होता है वो बीते हुए कल को कहते हैं, जैसे कहा 5 ईयर एगो, 6 ईयर एगो, 7 ईयर एगो, 10 ईयर एगो, तो कह रहा है 10 साल पहले की बात कर रहा है, 20 साल पहले की बात कर रहा है, अगर दिया है क्वेश्चन में, ठीक है, 20 ईयर एगो। आपने पिक्चरें देखी है, क्या होता है, वो लोग पेपर पढ़ रहे होते हैं या फिर क्या कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, या फिर कहते हैं आपको बताऊं 20 साल पहले, तो इंग्लिश में कैसे कहेंगे, 5 ईयर एगो, ठीक है, अरे ऐसे ही कह रहा हूं, ठीक है, दो एगो यूज करेंगे किसके लिए, 20 साल बाद, मतलब पिछले भूतिया जमाने में चले जाओ, ठीक है, समझ में आ रहा ना, उसके लिए यूज क्या करेंगे, एगो यूज करेंगे, याद रखना, पास्ट के लिए, ठीक है, फ्यूचर के लिए नहीं यूज करेंगे, फ्यूचर के लिए प्यारे बच्चों एगो नहीं यूज होता, किसके लिए, पास्ट के लिए यूज किया जाएगा। तो अगर वर्तमान में अगर मेरी, मतलब प्रेजेंट में एज अगर मेरी 5 है, 5 कह रहे 15 है, और अगर कह दे 5, व्हाट इज योर एज, 5 ईयर एगो, आपकी 5 साल पहले एज क्या थी, 5 ईयर एगो, तो आप क्या करो, पीछे जाओ, पास्ट में जाओ, 5 ईयर एगो, तो पास्ट में गए तो 5 माइनस हो जाएगा, पास्ट में गए 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 गए, और ये 5 साल जब हम लोग गए पास्ट में, तो हमारी एज क्या हो गई प्यारे बच्चों, 10 ईयर हो गई, 10 साल हो गई, समझ में आ रहा है कि नहीं, 5 ईयर एगो, एगो समझ में आ गया, एगो किसके लिए, पास्ट के लिए। ये क्या बता रहे हो सर जी, ये सब तो हमको पता है, ये फालतू की चीजें मत बताओ, तो मुझे पता है प्यारे बच्चों आप बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, आपको पता होगा, ठीक है, मैं ही गधा हूं, मैं ये सब आपको बता रहा हूं, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा हो, चाहे जो मुझे बोल लो, ठीक है, मैं बताऊंगा इसलिए, क्योंकि क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा, आपको पता है, आप स्मार्ट हो, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है। अब देखो 5 ईयर एगो,
His age was 3 times Shreya age. अब ये his किसके लिए use हो रहा है प्यारे बच्चों? यहाँ पे जो his है ये नहीं, देखो ये जो his है his, ये कोई और नहीं अर्जुन है भाई साहब. His किसके लिए use होता है? लड़के, लड़के किसके लिए? लड़के के लिए, याद रखना, लड़की के लिए नहीं हो सकता, लड़के के लिए his use होता है. और लड़की के लिए, लड़की के लिए, लड़की के लिए क्या यूज होता है? हर. समझ में आ रहा कि नहीं? इतना तो पता होगा, नहीं पता तो जान जाओ, लड़के के लिए हिज, लड़की के लिए हर. ठीक है, अब इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इंग्लिश भी शुरू हो गए पढ़ाना, तो ये सब नहीं. तो ये यहाँ पे क्या है, हिज एज का मतलब अर्जुन की एज. अर्जुन एज वॉज 3 times श्रेया एज. ठीक है, तो जैसे कि मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों, यहाँ पे पहली चीज मान लेता हूं, अर्जुन यहाँ पे क्या थे, अर्जुन भाई साहब इधर हैं और श्रेया मैडम इधर हैं. तो श्रेया की मैंने एज एक्स मानी और क्वेश्चन ने कह रहा है कि अर्जुन इज ट्वाइस, तो अर्जुन क्या है, ट्वाइस मतलब दो गुना है. ठीक है, अर्जुन क्या है भाई साहब, दो गुना है, किसके एज के, श्रेया के एज के. अब कह रहे हैं भाई साहब 5 साल बाद, ये क्या है हमारी प्रेजेंट एज है, प्रेजेंट, ठीक है, प्रेजेंट एज है. अब कह रहे हैं 5 साल बाद, तो ये जो 5 साल बाद कह रहे हैं, ध्यान से देखो, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगी, प्रेजेंट है पास्ट, पास्ट एज हो जाएगी. 5 साल बाद क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 साल बाद क्या होगा, प्रेजेंट एज 2x, 5 साल बाद क्या होगा प्यारे बच्चों, इसमें 2x में से 5 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी पास्ट एज कितनी आ जाएगी, 2x माइनस 5 आ जाएगी प्यारे बच्चों. इसी तरीके से श्रेया की एज कितनी आ जाएगी, यहां से बताओ, x माइनस 5 आ जाएगी प्यारे बच्चों, पास्ट की एज हो गई. क्यों? क्योंकि 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 ईयर, 5 साल बाद की बात कर रहा है पास्ट, ठीक है, एगो की बात कर रहा है पास्ट एज. ठीक है, समझ में आ रहा है, किसकी, अर्जुन की एज ये है और श्रेया की एज ये है. समझ में आया कि नहीं? मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा. बस यहीं पे एक चीज, जो ये चीज यहां कही, यहां से हिज एज वॉज 3 times श्रेया एज, बस ये चीज आपको समझ लेनी है तो लाइफ जिंगा लाला हो जाएगी आपकी. ये चीज यहां से अभी तक ये जो इतना सॉल्व किया मैंने, यहां एगो तक सॉल्व किया, अर्जुन से लेके एगो तक ये है पूरा सॉल्यूशन. ठीक है, अब हिज से लेके एज तक क्या होगा सॉल्यूशन, देखो देखो यहां पे बनेगी हमारी प्यारी इक्वेजन बनेगी. क्या बनेगी? इक्वेजन बनेगी. अब यहां पे कैसे क्या दिखना है, देखो कह रहा है कि ये तो भाई साहब 5 साल पहले की बात हो गई कि अर्जुन भाई साहब की एज इतनी है और श्रेया मैडम की इतनी है एज. फिर यहां पे कह रहा है कि जो पास्ट में एज है ना, जो आई है ना अभी, हिज एज मतलब अर्जुन की जो एज है ना भाई साहब, एज वॉज 3 times श्रेया एज. कह रहा है ये जो पूरी एज है अर्जुन की, ये 3 गुना है किसके, श्रेया की एज के. मतलब समझाते हैं, देखो देखो ध्यान से देखो, यहां है भाई साहब अर्जुन, देखो एग्जाम्पल अर्जुन, और यहां पे है ये श्रेया जी, श्रेया मैडम. मतलब अब देखो ना, मतलब समझो, मतलब अगर अर्जुन की एज, अर्जुन को ऊपर लेते हैं, श्रेया को ऊपर लेते हैं और अर्जुन को नीचे, ऐसे और अच्छे समझ आएगा. ये है श्रेया मैडम और ये है अर्जुन, ठीक है, अर्जुन है. तो अगर मैं कह देता हूं, अगर मैं कह देता हूं, चलो हाइपोथेटिकली मैं कह देता हूं कि मैडम साहब अभी 1 ही साल की हुई है, 1 साल की होंगी, 1 ईयर की, तो अर्जुन भाई साहब क्या हो जाएंगे, पास्ट की बात कर रहा है, किसकी पास्ट की बात कर रहा हूं, यहां की बात कर रहा हूं, यहां की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे तो ट्वाइस बोल रहा है. ठीक है, तो हम लोग यहां पे अभी तक देखो 5 से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हुआ है, तो ये वाली पूरी लाइन एक ही लाइन है, तो एक ही लाइन में सब बोल रहा है. ठीक है, इसी लाइन में सब कुछ बोल रहा है, समझ में आ रहा है कि? तो देखो हम लोग तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं. अब यहां पे कह रहा है कि श्रेया मैडम जो है, ध्यान से देखना, हिज एज वॉज थ्राइस, मतलब क्या है, अर्जुन की एज 3 गुना है, थ्राइस 3 times, देख रहे हो 3 times किसके कंपैरिजन में, श्रेया की कंपैरिजन में अर्जुन की एज 3 गुना है. तो श्रेया की एज मान लेते हैं अगर 1 साल है, तो अर्जुन भाई साहब की कितनी हो जाएगी, कौन बताएगा, दिमाग लगाओ, 3 times है तो 3 ईयर हो जाएगी, हाँ कि ना. अब इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जाम्पल लू, हाइपोथेटिकली मनगढ़ंत जिसे कहते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ठीक है, अगर मैं मान लू कि श्रेया मैडम की अगर एज है 3,
थ्री ईयर है, तो बताओ दिमाग लगाओ अपना कि अर्जुन भाई साहब की क्या हो जाएगी पास्ट में, थ्री टाइम्स कह रहा है तो मतलब क्या हो जाएगी इनकी, क्या हो जाएगी तीन गुना, थ्री इंटू थ्री नाइन ईयर हो जाएगी, हाँ कि ना, हाँ कि ना, बताओ सही कह रहे कि नहीं। अब इसी तरीके से अगर इनकी एज 15 ईयर है, मान लेते हैं कि श्रेया मैडम की एज 15 ईयर है, तो अर्जुन भाई साहब की एज क्या हो जाएगी पास्ट में कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, बता दो क्या हो जाएगा, 15 का तीन गुना मतलब 45, नहीं आता तो 15 की टेबल थोड़ा सा देख लो, तो ये 45 ईयर, ये 15 ईयर। अब इसी तरीके से मान लेते हैं एक और हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि इनकी एज 100 ईयर भाई साहब, 100 ईयर 100 ईयर मान लेते हैं, श्रेया के मान ही तो रहे, तो मान लेते हैं श्रेया क्या है, हाँ एक पूरी सेंचुरी पार कर लिया इन्होंने, मतलब 100 ईयर 100 ईयर क्या है, एक 100 साल जी ली, तो बताओ अर्जुन की एज क्या हो जाएगी, अर्जुन की एज पास में देख रहे हो ना कितनी हो, तीन गुना है, तो ये 100 है तो ये तीन गुना क्या हो जाएगा, 300 ईयर का हो जाएगा, कौन भाई साहब, अर्जुन, मतलब श्रेया तो अभी जवान है, हाँ कि ना, मतलब बुढ़ी नहीं हुई है, बट अगर मैं देखूं 100 ईयर तो ये क्या होगा, 100 ईयर में तो लोग बुढ़े हो जाते हैं, तो मतलब श्रेया तो बुढ़ी हो गई है और अर्जुन क्या होगा, बहुत बुढ़ा हो गया है, ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, और श्रेया ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है मतलब वो ठीक ठाक चल रही है, ठीक है, पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये है पूरा 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 चीजें जो यहाँ पे समझने की जरूरत है। अब क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में क्या कहा, यहाँ पे हमने अभी तक कोई इक्वेजन पुक्वेजन नहीं बनाई, सिर्फ आपको मैंने समझाया कि ये पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन क्या कहा कि यहाँ पे अर्जुन भाई साहब दो गुना है श्रेयक में, अब 5 साल बाद क्या हो गया, 5 साल बाद क्या हुआ, हमें 5 साल बाद क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा, हाँ कि ना, ये चीज यहाँ पे नहीं कही है, ये चीज हमने लिखी है। अब कही क्या है कि 5 ईयर एगो, तो मैंने एगो दिखा दिया एज कितनी है, अब कह रहा है ये चीज हमें करनी पड़ेगी, हिज एज वॉज 3 टाइम्स श्रेया एज, तो अब मैंने यहाँ पे ये चीज आपको समझाई है कि श्रेया की एज क्या हो जाएगी पास्ट में, क्या हो जाएगी श्रेया की, श्रेया कह रहे हैं अर्जुन की एज क्या हो जाएगी, तीन गुना हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, श्रेया की एज में, मतलब अगर श्रेया की एज 1 ईयर है पास्ट में, ठीक है, यहाँ पे 5 वाले में, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी, 3 ईयर हो जाएगी, ठीक है, 3 ईयर। अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इक्वेशन और फाइंड करेंगे क्या यहाँ पे प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज, ये देखो ना प्रेजेंट एज का मतलब क्या, 2x और x को फाइंड करेंगे, समझ में आ रहा है, हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी, ना कि हमें ये पास्ट वाली एजेस नहीं फाइंड करनी। अब वो कैसे करेंगे, देखो मैंने बताया था ना इक्वेशन, इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड होता है राइट हैंड साइड होता है वो दोनों भाई साहब इक्वल होने चाहिए, जैसे कि देखो इधर देखो, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 100 केजी की एक टी ली और उसको इक्वल कर रहा हूँ मैं 90 केजी के शुगर के, तो क्या ये कभी इक्वल होगा, बताओ शुगर के 90 केजी शुगर के, तो क्या कहोगे, क्या कह रहे हैं आप, हाँ प्राइस के इक्वल भले ही हो जाएगा, तो प्राइस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं हम, केजी की बात कर रहे हैं, तो केजी तो भाई साहब फिक्स होता है, तो यहाँ पे क्या 90 केजी 100 केजी के इक्वल होगा, ना ना ना, तो कैसे इक्वल करेंगे इसे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 10 यहाँ पे ऐड अगर कर दें हम इसमें तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 100 हो जाएंगे, तो सेम क्वांटिटी इक्वल क्वांटिटी ही एक दूसरे के इक्वल हो सकती है, इक्वल साइन हमेशा क्या रहेगा, सेम जब क्वांटिटी रहेगी तभी इक्वल होगा। और यहां पे इक्वेशन भाई साहब, यहां पे एज वाले में हम लोग इक्वेशन किसकी बना रहे हैं, ध्यान से बताओ, अर्जुन और श्रेया के बीच में हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं, तो मतलब अगर जो एज भाई साहब अर्जुन की होनी चाहिए वही एज अगर श्रेया की हमने बना दी ना किसी तरीके से, तो इन दोनों को इक्वल कर देंगे, और जैसे ही इक्वल करेंगे ना तो हमको मिल जाएगी क्या, अर्जुन की भी एज मिल जाएगी, श्रेया की भी एज मिल जाएगी, कैसे मिलेगी वही देखेंगे, ठीक है। अब देखो यही से हम लोग समझ जाएंगे, श्रेया की एज क्या है 1 ईयर है, तो अर्जुन की एज 3 ईयर हो गई, अब अगर श्रेया की एज 3 ईयर है तो अर्जुन की इसकी 3 गुना हो जा रही, हाँ कि ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या कि अर्जुन भाई साहब तो बहुत बड़े हैं, हाँ कि ना,
क्योंकि वो क्या है 3 times है किसकी, श्रेया की एज की। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये तो भाई साहब बढ़ रहे हैं, हम क्या करें श्रेया की एज को 3 गुना कर दें, क्योंकि श्रेया की एज क्या है 3 गुना कम है। नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा कि नहीं, नहीं समझ में आ रहा, चलो मैं बताता हूँ। मान लेते हैं ये है मेरे पास पेन है और ये दूसरा पेन है, तो अगर मैं कहूँ इस पेन की जो प्राइस है वो नहीं, इस पेन की मान लीजिए इस पेन की प्राइस 2 रुपए है और इस पेन की प्राइस क्या है 4 रुपए है, तो अगर मुझे कहना हो क्या, मैं क्या कहूंगा इस इसकी 4 रुपए है ना, तो ठीक है क्या कहूंगा मैं कि द प्राइस ऑफ दिस पेन, इस पेन की जो प्राइस होगी वो क्या होगी 2 गुनी होगी इस पेन के, तो इस पेन को इक्वल करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसकी तो 2 रुपए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसकी कितनी हो जाएगी 4 रुपए हो जाएगी। अब ये जो 4 रुपए है ना वो इस 4 रुपए के इक्वल है, तो इसकी जो वैल्यू होगी मान लेते हैं एक्स है और इसकी जो वैल्यू है मैं मान लेता हूं वाई है, तो मैं तब कह सकता हूं एक्स इक्वल है वाई के, कह सकता हूं कि नहीं, मान लेते हैं एक्स इक्वल है वाई के, आगे ना। चलो ये चीज तो नहीं समझ में आई होगी मुझे पता है, पर चलो मैं ऐसे समझाता हूं। यहां पर देखो श्रेया की एज है 1, हाँ कि ना, तो इस 1 को मैं क्या करूंगा 3 बना दूंगा, और 3 कैसे बनाएंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। अब ये क्या हो जाएगा, ये भी 3 मिल जाएगा और ये तो 3 है ही, अब यहां पे क्या है 3, हाँ कि ना, तो श्रेया की एज को अर्जुन की एज इक्वल लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये क्या हो जाएगा 9 और ये तो 9 है ही। इसी तरीके से ये 45 है और श्रेया की एज क्या है 15 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, श्रेया की एज में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये एज इसके इक्वल आ जाए और इक्वेशन में मैं इक्वल में पुट कर सकूं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि इक्वल पुट करना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं LHS क्या करते हैं इक्वल दिखाते हैं ना, बीच में साइन इक्वल का रहता है ना कि बड़ा ना कि छोटा, ठीक है, तो इक्वल बनाने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, और यहां पे ये चीज बोल भी दी है तो इससे भी समझ जाना चाहिए, अधिकतर बच्चे समझ भी जाते हैं, बट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं क्यों करेंगे हम लोग 3 times, तो इसको मैं क्या कर रहा हूं रब कर रहा हूं, तो अब मैं क्या करता हूं क्या करता हूं इसको रब करूं या ना करूं, चलो यहीं पर मैं बताता हूं आपको अब क्या करोगे, इसको रब ही कर देता हूं, इसको मैं क्या करता हूँ रब कर देता हूँ, देखो मैंने रब कर दिया, ठीक समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, ठीक है चलो। तो अब क्या है प्यारे बच्चों, अब जो ये वाला जो मैं यूज करूंगा ये चीज याद रखना, यहाँ पे अब क्या कह रहा है कि अर्जुन की एज क्या है प्यारे बच्चों, अर्जुन एज वॉज 3 times श्रेया एज, तो अर्जुन की एज क्या है प्यारे बच्चों कौन बताएगा, अर्जुन की एज है 2x-5 is equal to, ये क्या है अर्जुन इज 3 times, बताया था ना, क्या बताया था अर्जुन और श्रेया, तो अर्जुन की अगर यहां पे मैं हटा देता हूं, ये देखो ये है भाई साहब श्रेया और ये है अर्जुन, ठीक है अर्जुन, तो अगर श्रेया 1 साल की है तो अर्जुन क्या है 3 साल के हैं, 3 year के हैं, हाँ क्या ठीक, तो यहीं पे देख सकते हो अर्जुन 3 साल का है, हाँ कि ना, और श्रेया भाई साहब क्या है मान लेते हैं श्रेया की एज क्या है यहाँ पे x-5, अब ये बताओ ये तो 3 साल का x-5 किसकी एज है श्रेया की, श्रेया एज कितनी है 1 साल की, तो 1 year है, हाँ कि ना, मान लेते हैं, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे ना, इक्वल कैसे करेंगे, क्या इसमें मल्टीप्लाई करोगे, तो अगर मैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर ये 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो 9 बन जाएगा, तो क्या 9 1 के इक्वल है, नहीं भाई साहब, तो इससे मल्टीप्लाई करना बेवकूफी होगी, ठीक है इससे नहीं करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 वाले से, तो ये 3 year तो कौन है भाई साहब ये अर्जुन है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तुम 3 से, इसको मल्टीप्लाई करो तो इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या मिल जाएगा 3 year मिल जाएगा, तो इधर भी 3 year तभी तो मैं इसको इक्वल में लिख सकता हूं, अगर ये 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा तो ये इक्वल साइन में नहीं लगा सकता हूं, और यही इक्वल साइन लगाने पे ही और ये 3 से मल्टीप्लाई करने पे ही यही इक्वेशन मेन इक्वेशन हमें चाहिए, ठीक है पूरी क्वेश्चन में सिर्फ अगर हमें ये इक्वेशन मिल जाए तो आंसर यू चुटकी में सॉल्व हो जाएगा, यू चुटकी में, ठीक है, तो यही मुझे समझाना था कि 3 से श्रेया से ही क्यों मल्टीप्लाई किए, ठीक है अर्जुन से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, अर्जुन से मल्टीप्लाई करोगे तो अर्जुन की एज बढ़ती चली जाएगी, श्रेया की तो कम ही है ना,
तो हमें क्या करना है, श्रेया की एज से मल्टीप्लाई करना है ताकि अर्जुन के एक एज के इक्वल आ जाए। समझ में आया कि नहीं, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं। तो यहां पे प्यारे बच्चों हमें इक्वेशन मिल गई, अब इसको हमें सीधा क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो हम लिखेंगे 2x-5 is equals to x-5 into 3, इसको सॉल्व करना आता है, 3 को x से माइनस किया 3x, माइनस 15, 3 into 5, 15, ये 2x-5 आ जाएगा। अब क्या करो, 2x को उधर ले जाओ, 15 को उधर ले आओ, तो 15 इधर आ जाएगा, प्लस माइनस में तो इधर चला आता है, प्लस में हो जाता है, माइनस 5, 3x माइनस कह रहे हैं, ये प्लस में है तो माइनस 2x हो गया, हाँ कि ना। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितनी आ गया, ये बताओ, 15 में से ये 5 गया तो 10 आ गया, x की वैल्यू प्यारे बच्चों क्या आ गई, 10 आ गई, हाँ कि ना। x कौन है, x कौन है, x श्रेया है। तो हमें मिल गई क्या, श्रेया की एज कितनी मिल गई प्यारे बच्चों, श्रेया की एज x थी और x की वैल्यू आ गई 10। ईयर, हाँ कि ना, तो श्रेया भाई साहब क्या हो गई, 10 ईयर हो गई। अर्जुन क्या है, अर्जुन 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 क्या है, 2x है, हाँ कि ना, अर्जुन क्या है, 2x है। तो अर्जुन की एज कितनी हो गई, 2 into x, x की वैल्यू क्या है, 10, तो ये 20 ईयर हो गई। क्या, किसकी एज होगी, 20 ईयर किसकी होगी, अर्जुन की एज। अब देखो यहाँ पे प्रेजेंट की जहां पास्ट एज भी पूछ सकता है, एज यहाँ पे प्रेजेंट किया है तो मैंने प्रेजेंट की वैल्यू निकाली है, हाँ कि ना। अगर पास्ट एज पूछता तो हम लोग ये 10 क्या करते, इसमें पुट करते, तो इसमें अगर मैं पुट कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, 20 में से माइनस कर देंगे 5, तो 20-5 15 ईयर हो जाएगी अर्जुन की। तो अगर इसकी पूछता है तो 10-5 5, तो श्रेया की एज क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो यहां से आप प्यारे बच्चों क्या देख सकते हो, यहां पे आप देख सकते हो क्या कि श्रेया क्या है, 2 गुना है और अर्जुन क्या है, 20 है। तो यहां से देख सकते हो अर्जुन इज ट्वाइस, तो यहां अर्जुन की एज कितनी है, 20, और अर्जुन क्या है, 2 गुना है किससे, श्रेया से। तो ये चीज आप देख सकते हो, हाँ भाई साहब सही है, मेरा आंसर भी सही आ रहा है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, बहुत सारे। अब आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, देखो मैंने अच्छे समझाया आपको क्या कह रहा था सब कुछ, अब मैं इसे रब करता हूं, इसे मैं क्या करता हूं, रब कर देता हूं, ठीक है। अब आपको एग्जाम में कैसे लिखना है इसको बता देता हूं मैं आपको, ठीक है, अच्छे से बता देता हूं। पहले तो मेरा एक ही मोटिव रहता है आपको अच्छे से समझाना। अब सॉल्यूशन में कैसे लिख सकते हो, देखो अर्जुन इज ट्वाइस, तो ये वाली क्या करो, आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, ये टेन पों 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 बहुत करती है, ठीक है। तो अर्जुन क्या कर सकते हो, ये चीज क्या कर दो, आप यहां पे सीधे लिख दो, सॉल्यूशन लिख दो, क्या यहां पे लिखो, अर्जुन इज ट्वाइस एज ओल्ड एज श्रेया, ठीक है, जैसे ही लिख दोगे ऐसे, ठीक है। बट यहां पे ये चीज लिख सकते हो आप, बट इसको ना लिख के अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है, या फिर आप इसे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पे आप कर लो, आप क्या लेट कर लो यहां पे, ठीक है, लेट कर लो, लेट अर्जुन, लेट कर लो अर्जुन को छोड़कर, पहले श्रेया कर लो, लेट श्रेया एज बी एक्स, तो अर्जुन भाई साहब क्या हो जाएंगे, अर्जुन, देखो मैंने अच्छे से बताया ना, अर्जुन एज क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी, हाँ कि ना। अब क्या कह रहा था यहाँ पे, 5 ईयर एगो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख दो 5 ईयर एगो श्रेया एंड अर्जुन एज, एज एज ए जी ई ए जी ई एज इज, ये देखो मुझे एज की स्पेलिंग नहीं आ रही थी है, इसलिए मेरे छोड़ हटाओ, ठीक है। तो इतना समझ में आया कि नहीं। अब क्या हुआ, क्या करो आप श्रेया में क्या करोगे, 5 ईयर एगो की बात कर, एगो मतलब भाई साहब पुरानी बातें कर रहे हैं, तो श्रेया की एज न्यू क्या हो जाएगी, श्रेया की पास्ट एज क्या हो जाएगी, श्रेया एज क्या हो जाएगी, श्रेया एज हो जाएगी एक्स माइनस 5, और अर्जुन भाई साहब की, अर्जुन की एज क्या हो जाएगी, 2x-5, हाँ कि ना। अब ये वाला चीज लिख देना कि यहाँ पे लिख दो अर्जुन, हिज की जगह लिख दो अर्जुन, क्या लिख दो, हिज की जगह लिख दो अर्जुन, यहाँ पे देखो मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे लिख दो नीचे अर्जुन ए, ये चीज पूरा कॉपी कर दो, एज वॉज थ्राइस एज वॉज 3 times श्रेया एज, ठीक है, श्रेया एज, ये चीज कॉपी कर दो। फिर क्या करोगे आप, इक्वेशन लिख दो, क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे 2x-5 इज इक्वल टू 3 times कह रहा ना, 3 times किसकी, श्रेया एज की, श्रेया की एज क्या है, एक्स माइनस 5, बस आप उसे सॉल्व कर लो। तो यहां से आपका क्या आएगा, 2x-5 ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा माइनस 15,
यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप देखोगे 15-5 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3x-2x इज इक्वल्स टू ये x ये 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। आगे ना बस मैंने क्या है x को इस तरीके से मोड़ दिया, ठीक है। हो सकता है अधिकतर बच्चे कहें कि मोड़ने पे क्या होगा सर जी, माइनस माइनस आ जाएगा, इधर भी माइनस, तो ये माइनस माइनस कट जाता है प्यारे बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ सेम साइन है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इन सब में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, सीधे सीधे क्या कहा, अर्जुन की एज ट्वाइस थी श्रेया की एज की, तो मैंने क्या किया श्रेया की एज को एक्स माना, ट्वाइस कह रहा था तो मैंने एज क्या कर दी अर्जुन की ट्वाइस कर दी। फिर कहा 5 साल पहले, तो 5 साल पहले क्या होगी दोनों की एज क्या होगी कम हो जाएगी, तो 5-5 कम हो गई, 5-5 कम दिखा दिया मैंने। अब क्या कह रहा था, यहां पे कह रहा था कि भाई साहब श्रेया की एज का 3 गुना, देख रहे हो ना, श्रेया की एज का 3 गुना है भाई साहब ये, ठीक है। तो यहां पे हमने दिखाया क्या कि अर्जुन तो भाई साहब 2x-5 है, ठीक है, और कह रहे हैं अर्जुन इज थ्राइस, अर्जुन 3 गुना है, अर्जुन 3 गुना है श्रेया की एज का, अर्जुन क्या है ज्यादा ताकतवर है, अर्जुन 3 गुना ताकतवर, यहां ताकतवर से समझ लेते हैं कि अर्जुन भाई साहब 3 गुना ताकतवर है श्रेया से, तो श्रेया को अर्जुन के इतना ताकतवर बनाने के लिए क्या करेंगे, उसको 3 गुना ताकत दे देंगे। तो जब 3 गुना ताकत उसको दे दोगे तो अर्जुन के बराबर आ जाएगी। देखो कैसे, अर्जुन क्या है भाई साहब ज्यादा ताकतवर, अर्जुन क्या है 3 गुना ताकतवर है श्रेया की एज के, तो श्रेया की एज कह रहे हैं श्रेया की पावर से, तो अगर श्रेया की पावर को 3 गुना कर दो, श्रेया की पावर को 3 गुना कर दो तो ये अर्जुन के बराबर आ जाएगी। समझ में आया कि नहीं, हाँ कि ना, समझ में आया कि नहीं। अब ऐसे समझ लिया ना कि अर्जुन क्या है, अर्जुन 3 गुना है श्रेया की एज का, तो श्रेया की एज को मैं क्या करूंगा 3 गुना कर दूंगा, तो ये अर्जुन की एज और श्रेया की एज इक्वल हो जाएगी। इसी इक्वल को करने के लिए हम लोग इतना झमेला आपको बता रहे हैं यहाँ पे, तो इंटू 3 इसको कर दिया मैंने, तो 3x-15 इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे, मतलब 3 को ऐसे 3x, 3 को 5 से 15। अब इसको सॉल्व करना तो आता ही होगा, क्या करते हैं इसे ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे लिख लोगे ट्रांसपोजिंग भी कर सकते हो आप, यहाँ पे लिख सकते हो ट्रांसपोजिंग, ठीक है, इसे लिख लेना आप, ठीक है, ट्रांसपोजिंग। अब ट्रांसपोजिंग का मतलब क्या, माइनस 15 को इधर लेके जाओगे, अब आपको पता है यहां से साइन को इधर से उधर, उधर से इधर लेके जाते हैं क्या होता है, प्लस माइनस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में, डिवाइड मल्टीप्लाई में हो जाता है, हाँ कि ना। तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, x की वैल्यू 50 ये मिल गए, तो x क्या है श्रेया भाई साहब है हमारी, और 2x क्या हो जाएगा अर्जुन, तो 2x क्या हो जाएगा 20, तो अर्जुन की एज क्या आ गई प्यारे बच्चों, अर्जुन की एज आ गई 20, हाँ कि ना, समझ में आ रहा है कि नहीं। अर्जुन की एज क्या है प्यारे बच्चों 2x है, ये देख रहे हो ना, तो 2x क्या हो जाएगा, x की वैल्यू पुट करो 10 आ रही थी, 2 × 10, तो ये क्या हो जाएगा अर्जुन की एज क्या हो गई 20 हो गई। तो ये चीज, यही चीज अगर आप नीचे लिख के कॉपी कर दो, क्योंकि प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है, समझना कि, तो देख रहे हो कितने सिंपल लाइन में सॉल्व हो गया, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, तो ये क्वेश्चन पूरा का पूरा खत्म हो गया। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से, एकदम अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब ब्लर नहीं हुई होगी वीडियो, और अब ब्लर हो गए तो भाई साहब अब नहीं बना पाऊंगा मैं इस वीडियो को, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं अगर ब्लर हो गई होगी, क्योंकि मैं देख तो पाऊंगा कि नहीं ब्लर हुई कि नहीं, अभी देखूंगा बैठ के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों हर एक चीज, हर एक छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, आप सारी वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे, सीरियल वाइज देख रहे होंगे, क्योंकि हर एक चीज हम लोग कवर कर रहे हैं, जैसे कोई भी चीज एनसीईआरटी की ना छूटे और आपकी परफॉर्मेंस एग्जाम में बहुत अच्छी हो, आपको हर एक चीज समझ में आए, 9th में भी आपको कोई दिक्कत ना हो, अगर 8th में अच्छे से आप पढ़ लोगे तो छोटी मोटी चीजें जो दिक्कत होती है 9th में वो एकदम ना हो, इसीलिए पूरे अच्छे तरीके से हम लोग आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों वीडियो पसंद आ रही होगी, तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखो और इस वीडियो को जरूर देखते रहो जो भी वीडियो बना रहा हूं, और रिवाइज करना मत भूलना। तो मेरे प्यारे बच्चों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो।